नमस्कार दोस्तों, चर्चा बड़े फिल्म एंड वापस एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे एक वेब सीरीज इनोसेंट क्रिमिनल्स को। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर वाली वेब सीरीज है जिसे रिसेंटली जेम्प्लेक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। इसके डायरेक्टर है अशोक कुमार पांडा। आज हम रिव्यू करेंगे इस वेब सीरीज को और जानेंगे क्या आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, चलिए शुरू करते हैं। इनोसेंट क्रिमिनल्स ये कहानी है तीन दोस्तों की, ऋषि, अविक एंड संजू, जो छोटे मोटे क्राइम हेरा फेरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं। एक दिन इसके पास संजू एक बड़ा ऑफर लेके आते हैं, एक MMS, जिसके जरिए ये लोग ढेर सारा पैसा कमाने का प्लान बनाते हैं। क्या इनके ये प्लान कामयाब हुआ पता है, या आगे की कहानी कुछ और ही है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। वेल कहाँ देखनी है, तो ये अवेलेबल है जेम्प्लेक्स को OTT प्लेटफॉर्म पे, आप इसे इजिली देख सकते हैं। सीरीज के स्क्रिप्ट एवरेज है, लेकिन इसका स्टोरी टेलिंग काफी इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है, जो कहीं भी आपको बोर नहीं करती। इस सीरीज में अपना जलवा दिखाया है अभिक बैनर्जी, ऋषि शेरावत, संजू धीरे, कनिका चावला, वर्षा डांगे, अंचित जोशी, नेहा पुनिया एंड प्रियंका कश्यप जैसे कलाकार। सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस एवरेज रही है, सभी ने अपने किरदार को ठीक ठीक तरीके से निभाया, लेकिन रुचिकर संजू के कैरेक्टर्स की एक्सप्रेशन काफी वीक रहती, उनके कैरेक्टर को और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत थी। सिनेमाटोग्राफी एवरेज है, लेकिन इसकी BGM इसके थ्रिल के साथ, इसके स्टोरी के साथ 2D point मैच करती है। 5 episodes और 15 minutes ईच हर एपिसोड, शायद ये अब तक का सबसे शॉर्ट वेब सीरीज है। आपको कहीं भी बोर नहीं करती। हर एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा है जिसके लिए आप अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हो। डायलॉग्स एवरेज में ढेर सारी गालियां बड़ी हुई है। सीरीज में थ्रिल को काफी स्मार्टली प्रेजेंट किया गया, जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांध के रखता है। एंड इसका एक्स फैक्टर साबित होता है इसका क्लाइमैक्स, पूरी कहानी ही बदल जाती है एंड में। आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि एंड में क्या होने वाला है, पर क्लाइमैक्स में फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। शायद एक और सीन या एक और एपिसोड इसमें डाल सकते थे उस सस्पेंस को रिवील करने के लिए, कि वो एक्चुअली में कौन थे, ये 100 करोड़ का माजरा क्या है, पूरा केस क्या था। इस चीज को बस ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाता, शायद मेकर्स के सारा Season 2 के तरफ है। इन शॉर्ट, ये एक पैसा वसूल वेब सीरीज है, जहाँ आपको क्राइम, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ मिलता है। अगर आप कुछ नया, कुछ हटके ट्राई करना चाहते हो, तो ये आपके लिए है। मैं इस सीरीज को देता हूँ 7 out of 10 स्टार्स। पेंटागन की बात करूँ तो इसमें वल्गैरिटी ढेर सारी है, तो बच्चों के साथ देखने लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप अकेले ही इसे देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने इसे पहले देखा है तो अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट में शेयर करें, नहीं देखा तो आप इसे गेमप्लेक्स पे देख ले। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करना इस पे। एंड जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए।